ड्रैगन बॉल जी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर फाइटिंग होने के बाद वेजिटा के ऊपर बाबड़ी करता है अपने स्पेल से हमला, और वेजिटा के मन के अंदर भाई जितनी भी होती है डार्कनेस उसको वो अपनी पावर ऑफ सोर्स के लिए यूज करता है। यानी कि आज यहाँ पर हम लोगों को माजिन वेजिटा के दर्शन होने वाले हैं, और यहाँ पर माजिन वेजिटा उठाता है भाई एक ऑर्डर कि मुझे यहाँ पर फाइट करनी है कैकरॉट के साथ, यानी कि गोकू के साथ। फिर क्या होना था, गोकू और वेजिटा यानी कि सुपर सैयन 2 गोकू वर्सेस माजिन वेजिटा का भाई अल्टीमेट बैटल होता है। लाइक कमेंट शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट से भाग के आ जाइए, मेंबरशिप लीजिए, सुपर चैट, सुपर थैंक्स और सुपर स्टिकर भेजिए। Vegeta was transformed into a Majin after Babidi magically manipulated the evil lying within Vegeta's heart. सुनते रहो भाई बस। While his body and mind were being controlled, his pride remained, as did his desire to fight Goku. बिल्कुल। Goku answered him, and soon the two faced off on the battlefield. I don't want to take damage from you and feed energy to Majin Buu. I'll use all the power I have to end this quickly. I can't wait to see the results of all that training you've been doing in the other world. अब दिक्कत क्या होती है, क्योंकि वेजिटा जो है ये नॉर्मल वेजिटा नहीं है, ये है माजिन वेजिटा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जितनी फाइट यहाँ पर ये दोनों आपस में करेंगे उतनी ही एनर्जी माजिन बू को मिलेगी। तो गोकू कहता है कि इस चीज़ को मैं जल्दी ख़त्म करूँगा। तो जैसे ही गोकू अपनी पूरी पावर दिखाता है यानी कि सुपर सैयन 2 की फुल एनर्जी दिखाता है, वेजिटा भी फिर अपनी एनर्जी दिखाता है और ये दोनों सेम लेवल पे होते हैं। उल्टा माजिन वेजिटा ये कहा जाता है कि गोकू सुपर सैयन 2 से भी हल्का सा ऊपर स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली गोकू सुपर सैयन 2 से फाइट करने से पहले एक बार हम लोग जरा भाई जल्दी से हाथ गर्म कर लेते हैं और फिर चलेंगे गोकू से फाइट करने। आ जाओ चेक करते हैं कि माजिन वेजिटा क्या क्या मारता है, कौन कौन से यहाँ पे पावर्स हैं और कितना दम है इसके अंदर। चल तेरी, एक गया, दूसरे की बारी, आ जाओ। देखो वैसे तो मैं इनके वो पावर मार सकता हूँ, पर उससे ये होगा कि ये एक सेकंड में मर जाएंगे, पर मुझे यहाँ पर अपनी फाइटिंग स्किल्स को थोड़ा सा गर्म करना है ताकि जब गोकू से फाइट हो तो वहाँ पर हम लोगों को दिक्कत ना पड़े, क्योंकि भाई गोकू तो गोकू ही है, ड्रैगन बॉल जी का मेन कैरेक्टर है भाई, दम तो लौंडे में होगा ही। कल तेरी बुआ जवान करूँ, भाई से पंगा लेगा। ओ भाई ओ भाई, ओए सनी पाजी कसम, ओए जल्दी मार दे वेजिटा। सनी पाजी आप वेजिटा को भी जानते हो, ओए क्यों नहीं जानूंगा, बॉबी और मैं साथ में देखते हैं ड्रैगन बॉल जी, बहुत मजा आता है। अरे वाह बहुत बढ़िया, ये देखो भाई अब कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे हाथ गर्म, जरा गोकू से मिल के आते हैं। Doesn't look like it'll be over soon. Come on, Kakarot. It's time for you to die. Let's go, boys. Super Saiyan 2 Goku versus Majin Vegeta. चल बेटे आ जाओ, बहुत मजा आएगा। पर हम लोगों को बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, क्योंकि गोकू बहुत स्ट्रांग है इस समय। ओए ब्लॉकर, बच गए। ले बेटे, ओ पीछे पीछे, अबे पीछे देख ले, वेजिटा कहाँ देख रहा है, ले तेरी भागता कहाँ है, निकल यहां से, डॉच कर, ओ आराम से आराम से। देखो स्टार्टिंग के पहले मिनट के अंदर आपको यहाँ पर टेक्निक्स और अटैक समझने अपने करेक्टर के, प्लस जो गोकू मारेगा मुझे वो भी अडेप्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। पड़ी, ओ नहीं नहीं नहीं, ओए और अब्बा मैंने बचा ले, अरे गज उतार दिया अन्य तो भाई, गोकू थोड़ी सांस ले ले भाई, मेरी नाभी, अबे नाभी में तेरी भाभी ले जाऊं, आभी दाभी, डॉच करना पड़ेगा, उठा उठा के बेल दूंगा।
चीर दूंगा फाड़ दूंगा गोकू, ये बदतमीजी हो रही है। मारा तू गोकू है कि मैं भी वेजिटा हूं। डॉच कर गया यार वो। फाइनल इंपैक्ट पड़ी। ये ले, ओ डॉच कर दिया इसने। ले बेटे बिग बैंग अटैक। क्या हुआ गोकू, डरावा लग रहा है? ओ कमे में मार रहा है। बाय 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 बाय। कामे में भाई इतनी स्पीड से आती है कि अगर आप लोगों ने सही टाइम पे डॉज नहीं किया तो भाई आपकी बहुत लंबी हेल्थ जाती है उसमें। ये ले, ओ डॉज कर गया। ब्लॉक कर, यहाँ देख, चल तेरी मुझसे पंगा लेगा। सुपर कामे में मारा, भाग 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 भाग। अरे भाई इतनी हेल्थ जा रही है। बहुत देर हो गई, निकाल यहां से। अब गोकू के पास यहां पे उसकी लास्ट सेंजुबीन है और हमारे पास अभी यहां पर दो सेंजुबीन्स पड़ी हैं, यानी कि मैं दोबारा और आ सकता हूं। ये ले बेटे, प्रिंस पैड यूज कर लिया मैंने यहां पर। गलत टाइम पे चला गया मैं, जिस टाइम में भाई वो कामे में अपनी चार्ज कर रहा था मैं उसके मुंह के पास चला गया, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा बच्ची खेलेंगे। बहुत हो गया, मेरी बारी अब। इधर आ, नाइस, चल तेरी। भाई विजिटा होता है यहाँ पे सेंस का प्रिंस, तो भाई लॉन्डे में दमखम तक कुछ ज़्यादा ही होता है। गोकू भाई कामे में ऐसे मार रहा है जैसे वैसा लंगर में खाना पड़ता है ना, एकदम फुल ऑन। डॉच करना पड़ेगा और लास्ट में हम लोग यहां पर गोकू को अपने अल्ट से मारेंगे, यानी कि वेजिटा की इस फॉर्म का, यानी कि माज वेजिटा का जो सुपर हमला होगा उस पे। अब यहाँ पे सीन क्या होता है कि जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तो इतनी देर के अंदर भाई जो हमारा मार्जिन बू होता है उसका जो पावर का मीटर होता है फुल हो जाता है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर गोकू बोलता है वेजिटा को कि भाई मार्जिन बू जो है मुझे महसूस हो रहा है उसकी पावर लेवल और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पर फिर ये दोनों लड़ते लड़ते अपनी फाइट को रोकते हैं और गोकू बोलता है कि देख हम तो लड़ते रहेंगे पर जब पृथ्वी ही तबाह हो जाएगी तो भाई काम कैसे चलेगा। तो गोकू बोलता है इसको कि काम करते हैं, पहले हम लोग लड़ते हैं मार्जिन बू से और उसके बाद संभाल लेंगे अपना। तो हम लोग यहाँ पे भाई बैटल के एकदम एंड तक पहुंच चुके हैं। नहीं सुपर कामे में मार रहा, भाग भाग भाग। अबे पड़ गई मेरे, मैंने जाने दे गोकू भाई, 100-100 के 5 नोट ले लियो यार, जान दे प्लीज यार, ना मारे पीछे से मार रहा करो तो गुद्दी लाल। ले पीठ थोड़ी साले की, अरे भाग गया ये तो यार। दोस्तों मुझे लगता है कि अब हम लोगों को यहाँ पर गोकू को अपने अल्ट से मारना पड़ेगा। आ जाओ चार्ज करते हम लोग यहाँ पे हमारे वेजिटा की मार्जिन वेजिटा फॉर्म का फाइनल अटैक। आर यू गाइस रेडी? बहुत मजा आएगा भाई, फाइनल एक्सप्लोजन फट जाएगा अपने आप में ये। ओ द एंड खत्म। लेकिन ये अटैक हमने यहां पर यूज करा है, असलियत में जब गोकू वेजिटा फाइट करते तो ये ली पावर यहां पर वेजिटा यूज नहीं करता है, वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया है, ठीक है। अब देखो स्टोरी के अंदर क्या होगा। We'll put this battle on hold. I'll clean up the mess I made and take care of Majin Buu. And then I'll settle things with you, if I'm still alive, that is. तो गोकू और वेजिटा करते हैं आपस में बात कि हम लोग पहले फाइट करेंगे बू के साथ, ठीक है। पर वेजिटा यहाँ पर मौका पाते ही गोकू के ऊपर करता है हमला और फिर गोकू हो जाता है बेहोश। फिर वेजिटा आता है अकेला मार्जिन बू से फाइट करने, लेकिन मार्जिन बू के सामने होता है सुप्रीम काई और गोहान, और यहाँ पर फिर गोहान फाइट करता है मार्जिन बू के साथ।
पर यहाँ पर डबोरा भी कहता है, you want to fight me, Deborah? You don't know your place. That's why you're a fool. ये कहता है। Majin Buu's power just skyrocketed from out of nowhere. He's too strong. I can't believe it. अब सोचो जरा, इसी डबोरा से हमने फाइट करी थी गोहान के साथ सुपर सेंट 2 के अंदर, और उस डबोरा का मारने में माजिन बू को सिर्फ एक हमला मारना पड़ा, छोटा सा एकदम। अब तुम पावर लेवल का इमेजिनेशन कर लो कि किस लेवल का माजिन बू का पावर लेवल होगा। अब यहाँ पर जब तक फाइट कर रहा है गोहान और डबोरा माजिन बू के साथ, इतनी ही देर के अंदर वेजिटा भी आ रहा है इसी जगह पर माजिन बू को मारने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। हम बन चुके हैं अब यहाँ पर सुपर सैयन से सुपर सैयन 2। आ जा बेटे, देखते हैं माजिन बू में कितना दम है। ओ! आराम से एकदम, ये ले बेटे आ जा पड़ी। अच्छा, इस समय हमको दिखा रहे हैं कि डबोरा और हम इकट्ठे फाइट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे सिर्फ गोहान ही लड़ता है उसके साथ, ठीक है, क्योंकि डबोरा का तो भाई कुत्ता बनाया था माजिन बू। मसेन को मारते हैं, पर वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज था, चार्ज करना पड़ेगा। नाइस, अब माजिन बू के पास यहाँ पे लास्ट बची है सेंजुबिन, ठीक है। एक काम करते हैं, नहीं नहीं नहीं, कमरे में मार रहा है, अरे गधा मैं कहां घुस गया यार, मसन को। दौच कर, अबे डबोरा बीच में क्यों आ गया, मरेगा भाई ये तो। ये देखो हमारे पंचेस का उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गोहान का सुपर सैयन 2 के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमला है, जिसका अल्ट है, वो आई गेस सुपर कामया में है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में इसके सुपर कामया में ही मारेंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पर इसकी थोड़ी सी पहले हम लोगों को हेल्थ कम करनी पड़ेगी। डबोरा भाई कुछ मारेगा तू, मुझे ये मारना पड़ेगा शायद। डबोरा कुछ मार ले भाई, इधर हम मोटे गुब्बारे, तेरा बबल गम के भतीजे। पड़ गई पड़ गई, ठीक है, बस इसकी हल्की सी और एचपी कम हो जाए, मजे आ जाएंगे। आई गेस इतना बहुत है। रेडी कामेहामेहा भाई, यार कामेहामेहा क्या लगती है भाई साहब, मतलब विजुअली भाई साहब कितनी खतरनाक सी लगती है। खत्म किया हमने यहाँ पर काम, लेकिन एक्चुअली में ये तो गेम में हुआ है, रियलिटी में माजिन बू कुत्ते की तरह गोहान के धै चाटे धै गुट धै लात मजे ही मजे कर देता है एकदम। और फिर यहाँ पर सुप्रीम काई और मत दोनों पिटते हैं भाई, सुप्रीम काई पिटता है, गोहान ही पिटता है यहाँ पर। अभी देखना मारेगा इसके, ये देखो। पर सीन क्या होता है कि ये गोहान को मारता नहीं है। You ugly, stupid lump! You're Majin Buu. Ugly, Buu, angry, Buu make you dead. और फिर यहाँ पर उसी टाइम एंट्री होती है माजिन वेजिटा की बैटलफील्ड के अंदर, लेकिन ये पहुँचता है यहाँ पर लेट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग माजिन बू इस समय गोहान को और सुप्रीम काय को मार चुका है, जबकि बू जो होता है उससे सिर्फ धक्का मारा होता है, तो सुप्रीम काय गोहान को बचा लेता है मरने से, तो गोहान जिंदा होता है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं सुप्रीम काय के अलावा कि गोहान जिंदा है। तो वेजिटा को कह रहा, वेजिटा का लगा होता है कि भाई ये गोहान को बचा नहीं पाया, तो गिल्ट में होता है। तो अब यहाँ पर वेजिटा लड़ता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ माजिन बू के साथ। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है हम लोगों का अगला बैटल, मजा आने वाला है। लाइक कमेंट शेयर, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, फुल ऑन प्यार एंड सपोर्ट दिखाइए, डिफरेंट डिफरेंट गेम की वीडियोस का एंजॉय करने के लिए मेंबरशिप लीजिए, सुपर चैट, सुपर थैंक्स और सुपर स्टिकर देके अपने जीरो मैक को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए फटाफट से। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll
They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get.